नमस्कार दोस्तों, माय सेविस क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय दो, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, भाग चार, कक्षा 9। आज इस भाग में हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है, पहला है अंतर। अंतर में बहुत बड़ा है, कई बार ये पेपर में हर बार आया हुआ है। वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन, निलंबन में अंतर, ठीक। और इसके बाद पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव, ठीक है। कई बार पेपर में आता है टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, टिंडल प्रभाव को समझाइए, ठीक है। इन दो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन, निलंबन। सबसे पहले है वास्तविक विलयन, कणों का आकार। विलयन कण आकार में बहुत छोटे होते हैं, 10 की पावर -9। 10 की पावर -9 का है 1/10 की पावर 9, जिसका मतलब है 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मीटर, ठीक है। इसके कण इतने छोटे होते हैं, जबकि कणों का आकार बहुत ही बड़ा होता है, जिसे आप देख सकते हैं। विलयन के कणों का आकार, कोलाइड विलयन में विलायक के कण का आकार वास्तविक से बड़ा किंतु निलंबन से छोटा होता है। इससे तो बड़ा होता है, लेकिन इससे छोटा होता है कोलाइड में, ठीक है। फिर अगला टॉपिक किसमें है, कणों का दिखना। विलयन के कण नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते, और इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, इसके इतने कण इतने बड़े होते हैं। और कोलाइड विलयन में कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसे देखा जा सकता है, ठीक। छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। वास्तविक विलयन को छानन विधि के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, जबकि छानन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। किसे? निलंबन को। निलंबन को छानने की प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं, जबकि कोलाइड विलयन पृथक नहीं कर सकते, इसे भी पृथक नहीं कर सकते। फिर अगला इसमें है मिश्रण के प्रकार। ये समांगी मिश्रण होता है, जितने भी समांगी मिश्रण दिखाई देते हैं वो आपके वास्तविक विलयन होते हैं। समांगी मिश्रण याद होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस मिल जाते हैं और जिसे अलग नहीं किया जा सकता। और ये विषमांगी मिश्रण होते हैं, जिसे अलग आसानी से कर सकते हैं। और ये समांगी दिखता है, लेकिन विषमांगी मिश्रण है। जो कोलाइड विलयन है वो समांगी तो दिखाई देता है, लेकिन विषमांगी मिश्रण होता है। अगला है पारदर्शी, ठीक है। वास्तविक विलयन पारदर्शी होता है, ठीक है। निलंबन अपारदर्शी होता है। पारदर्शी जिसे आर पार हम देख सकते हैं, और अपारदर्शी जिसे हम आर पार नहीं देख सकते। पारभासी जिसमें से हल्का हल्का दिखाई देता है, ठीक है। जैसे आप पन्नी देख सकते हो, हल्की सी पन्नी लोग उसके पीछे कुछ न कुछ हल्का दिखाई देता है, लेकिन साफ साफ नहीं होता, ठीक है। ऐसी स्थिति को पारभासी स्थिति कहते हैं। टिंडल प्रभाव नहीं, इसमें टिंडल प्रभाव होता है, इसमें टिंडल प्रभाव हाँ और नहीं, मतलब इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। निलंबन में टिंडल प्रभाव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब पढ़ते हैं टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, या टिंडल प्रभाव क्या है। कोलाइड विलयन, ठीक है, कोई कोलाइड विलयन लेते हैं। इसमें से कोई प्रकाश गुजारते हैं, जब प्रकाश, ठीक है, ये लाइट है, ठीक है, टॉर्च। जब इसमें से प्रकाश गुजारते हैं तो इसके जो कण होते हैं इसमें, इसके प्रकाश की रोशनी को फैला देते हैं। आप ये कह सकते हैं इसमें से थोड़ा थोड़ा ये जब दिखाई देता है, जब प्रकाश इस विलयन में से प्रकाश दिखाई देता है, इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल से समझे तो समझिए, एक कमरा लेते हैं, कमरा जहां पे छोटा सा छेद होता है, ठीक है, और ये सूरज, जब सूरज के प्रकाश यहां से आता है तो इस कमरे के छोटे से छेद से होते हुए अंदर आएगा, ठीक है। और आपको पता है हर जगह धूल के कण होते हैं वायु में, ठीक है, हर जगह होते हैं, लेकिन जैसे ये प्रकाश आता है अंदर, वो इन कणों को
के ऊपर पड़ता है और ये कण जगमगाने लग जाते हैं। ठीक है, इसे ही फैलाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगर आसान शब्दों में कहूँ, एक कमरे के छोटे से छेद से प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश किरण आती है, तब कमरे में मौजूद धूल के कण प्रकाश के द्वारा, ठीक है, प्रकाश की किरणों के द्वारा फैला दिए जाते हैं। जो प्रकाश होता है ये दिखाई दूर दूर तक फैला हुआ दिखाई देता है, इसी को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। आप यहाँ से उतार सकते हैं, कोलाइट के कणों में से गुजरते समय प्रकाश की किरणों का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। उदाहरण, एक कमरे के छोटे से छेद से प्रकाश किरण आती है, तब कमरे, फिर नीचे है, कमरे में मौजूद धूल कणों के द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। जैसे आपने कई बार जंगल में देखा होगा, आपकी बुक में दिखाता हूँ एक बार, ये चित्र टिंडल प्रभाव को दिखा रहा है। जो इसमें आपकी प्रकाश की किरणें दिखाई दे रही हैं, आती हुई प्रतीत हो रही हैं, यही टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो जो पढ़ेंगे उसमें हम मिश्रण के पृथक करने के तरीके पूछेंगे, ठीक है, बताएंगे मिश्रण को अलग अलग किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पे आपके 8 विधियाँ दी गई हैं। पहला है वाष्पीकरण, अपकेंद्रीकरण, पृथक्करण क्रिया, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, आसवन विधि, प्रभाजी आसवन, क्रिस्टलीकरण। ठीक है, दो दो या तीन तीन विधियाँ लेकर एक एक वीडियो में हम इसे कंप्लीट करेंगे। माय सीबीएसई क्लास देखने के लिए धन्यवाद।